गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइज, सबको गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। और फिलहाल गाइज मैं पहुँच चुका हूँ डांग, है ना, डांग से आज जा रहे सल्यान बांकुकला। और यहाँ से गाइज पूरे एक दिन लगते हैं, और मान लो कि यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर के आसपास है, पर बीच में ऑफ रोडिंग करना पड़ता है इसलिए ज़्यादा टाइम लगते हैं। सुबह अगर यहाँ से 8 बजे बैठेंगे तो लगभग 3-4 बजे गांव फाइनली पहुंच जाएंगे हम लोग। और गाइज हम शाम को पहुंचे थे बुटोल से, है ना, और यहाँ पर सिस्टर के रूम में रुके थे, और सिस्टर ब्रदर भी है इधर, और वो भी जाएंगे गांव को, और उनसे भी मिलाऊंगा अभी आपको और इनके बाद। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और सीधा चलते हैं फटाफट तैयार होने के बाद मिलते हैं। हेलो गाइज, आज हम गाँव जान लगे देखि सल्यान जान लगो। अब आउनु यहाँ, ऊ एउटा यो दिदी हुनुहुन्छ, एकछिनमा हामी बसबार गएर बसमा बस्छौँ, अनि यो चाहिँ विजय दाई। ओ गाइस फाइनली हम तैयार हो चुके, और ये चेक करिए गाइस। तो गाइस सारे हम मतलब ना सिस्टर वगैरह है और ब्रदर वगैरह है, और अब जा रहे हैं हम गांव को, और फाइनल तैयार हो चुके हैं। अब रूम से निकल रहे हैं, देख रहे हो गाइस यहां पर बाहर सामान ही सामान। तो चलो गाइस सामान जगह और निकलो एक एक करके बस स्टैंड की ओर सीधा। तो फाइनल गाइस हम बस स्टैंड जा रहे हैं पैदल को, है ना, और बस स्टैंड ऐसे थोड़ी सी दूर है, और बाकी देख रहे हो पीछे, और सारे बैग चक के चले, और ज़्यादा दूर नहीं है ना, तब हम पैदल जा रहे। ये देख रहे हो गाइस लॉन्ग राइड के लिए निकल चुके हैं, और ये अब एक महीने के बाद आएंगे गांव से। अभी सारे हेलो कर दो प्रकाश, हल्का है ना बैग, भैया चकलो ऐसे तो लेट पहुँच जाने। तो गाइस देख रहे हो ये निकल चुके हैं लॉन्ग राइड पे, और हम जा रहे हैं सारे मनाने गाँव को, है ना, और ये हाय और ऊपर काश को सबसे भारी बैग दिया गया है, बाकी सारे ने हल्की हल्की बैग चुके, और मेन तो कुछ नहीं चुका है, देख रहे हो मेरे को भी छोटा बैग है सबसे ज़्यादा प्रकाश, तो ज़्यादा भार तो नहीं है ना, कोई दिक्कत है। पहुँच चुके हैं हम बस स्टैंड, है ना, और ये तुलसीपुर बस पार्क है ना, और यहाँ से अब लॉन्ग रूट के लिए और बस से मिल जाएगी फाइनली। अब यहाँ से हम बस में सामान सामान लोड करते हैं, उसके बाद टिकट तो ले लिया है, और देखते कहाँ तक मिलती है सीटें। और ये तुलसीपुर बस पार्क है ना, और सल्यान अब यहाँ से जा रहे, सल्यान अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास फाइनल उसके बाद पहुँचेंगे। तो चलते फटाफट सामान पैक करने के बाद फिर सीधा ही निकलते हैं। यहाँ पर हम बस में सामान नहीं चढ़ा रहे, और उसके बाद बहुत सारा सामान है ना, वो पहले सामान ऊपर छत में डाल रहे, उसके बाद अभी अंदर जाते हैं, अंदर कहाँ पे सीट मिलेगी और वो अभी पूरा बताएंगे। और तो गाइस यहाँ पर मुझे एक नया फ्रेंड मिल गया, इनका नाम से रितिका, कुछ बोल दो, कुछ बोलना है नेपाली भनेकी नेपाली भनेकी। तो उस्ताद जी ऊपर देख रहे हो कनेक्टर तो अभी पहुँचा नहीं, और उस्ताद ऊपर से मतलब सामान लोड कर रहे हैं ना, और बाकी भैया वहाँ से सामान ऊपर को पूरा डाल रहे हैं, और उनका नाम ना सुरेंद्र डांगी, और डांगी गाइस जात का नाम है, और बाकी इधर ये सारे ना उसमें जाएंगे, और ऊपर को है ना वो देख रहे हो उस्ताद एकदम मस्त है ना, अभी उस्ताद से भी बात करेंगे। एंड गाइस ये सारे मतलब ना वो गाँव के जा रहे हैं, अपने गाँव के सारे जितने भी लोग हैं ना, और सीधा पहले बस का लोकेट दिस व्यू है ना ये चेक करिए, और ये बस जा रही है इस गांव को, है ना, और इस बस का नंबर है ना GH1KH526 है गाइस, नहीं 527 गाइस, कन्फ्यूज हो गया है ना इसमें ना, मतलब नेपाली अभी कम। आज ना हमारे गांव को ना दो बसें जा रही है ना, ज़्यादा सवारी होने की वजह से, और एक बस ये और एक बस वो, दोनों साथ साथ ही चलेंगे। और गाइस और दिन तो एक ही बस जाता था, पर आज ना दो बस इसलिए जा रहे क्योंकि ना ज़्यादा बंद होने के कारण से दो गाइस। ये बस निकल चुका है सल्यान बांकुकला के लिए, और ये देख रहे हो फुल लोड है ना, फुल पैक है 10 ATR की वजह से, बाकी एक और बस पर पैक हो रही है, वो उस बस में हम जा रहे हैं, पर ये वाली बस से ये निकल चुकी है। तो फाइनली अब हमारे बस भी पैक हो चुकी है, और चलते गाइज है ना, और टाइम हो गया सुबह के अभी 9 बजने वाली गाइज, देखते कितने बजे निकलती हैं, हमारे को पीछे भेज दिया इनकी वजह से हम पीछे जाना पड़ रहे हैं। वैसे सीट टिकट तो काट लिया था, पर लास्ट में करके क्योंकि सिस्टर लोग आगे बिठा दिए, बाकी अभी निकल गई उसको कोल्ड स्टार कर लिया, और कोल्ड स्टार होने के बाद फिर अब निकल गए आगे की ओर। तो फाइनल टाइम हो चुके अभी 8:30 पूरे देख रहे हो 8:30 हो चुके हैं, और
गाइस निकले और दांग को बाय बाय करते हुए स्विट्जरलैंड में एंटर हो रहे। और ऐसे जो मेन जगह का नाम आएगा ना पहले सबसे वो आएगा कपूर कोट, और आगे कौन कौन सी जगह आएगी वो बीच में बताएंगे आपको। और वीडियो में बढ़िया रहना है ना, और कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम फिर चेंज ही कर देंगे लैंग्वेज, नेपाली में करेंगे अगर नेपाली में ठीक बन रहा तो। गाइस फाइनली अभी यहाँ से 8:30 बजे निकल चुके हैं ना और अपने गांव के बाहर, और बस स्टैंड से बाहर को निकलते और इस तरह का व्यू देखने को मिल जाएगा। दांग कुलसीपुर है ना इस जगह का नाम। और गए जो फावरी बस पहुँचेगा शाम को गांव को लगभग ना गए जो यही 6-7 बजे पहुँचेगा। और ये रोड आगे जाए काठमांडू के लिए, हम चल गए सलैन वाले रोड से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए बीच बीच में जगह है ना उस जगह के नाम से। यहाँ से अब जैसे हम आगे जाएंगे गाइस यहाँ पर चेकिंग हो रही है ना, ये पुलिस आगे देख लो, और इस तरह की वर्दी होती है गाइस पुलिस के नेपाल में। और यहाँ पर चेक Five minutes later. और गाइस चेकिंग हो रही है यहाँ पर भी, आगे चेकिंग हो रही है गाइस क्योंकि दिवाली के टाइम भी स्टार्ट हो गया ना, इसलिए यहाँ पर बसों को सबको चेकिंग कर रहे गाइस। और आगे ट्रैफिक पुलिस देख रहे हो, और अभी दांग से हम लोग 2-3 किलोमीटर ही आगे को आए, और यहाँ पर फिर से चेकिंग, अभी पहले भी हुआ था चेकिंग और भी उदय चौधरी है ना, एक्स्ट्रा सॉरी है, इसलिए बस आगे नहीं जाने दे रहे। और पीछे भी देख रहे हो गाइस यहाँ पर तो पुलिस वाले बोल रहे कि वापस जाने को, और पीछे भी देख रहे हो 2 बसें भी पूरा पैक है और एक्स्ट्रा सामान होने की वजह से वापस जाने को बोल रहे, पता ही नहीं अब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं नहीं उसके बाद अभी देखते हैं, नहीं तो सीधा आज फिर वापस गाइस। तो गाइस यहाँ पर ना ये हुआ कि शॉर्ट ज़्यादा होने की वजह से और बस को वापस भेज दिया, फिर पता ही नहीं चीज़ आगे बस स्टैंड में फिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसके बाद फिर इसी बस में जाएंगे या दूसरी बस में भी जाएंगे ये अभी कन्फर्म नहीं है गाइस। पहले अब नीचे बस स्टैंड फिर से वापस जा रहे हैं और उसके बाद ही लगेगा पता क्या होगा। वापस चलो गाइस फिर से दांग। ये गाइस इस बार ना बहुत प्रॉब्लम हो गया, जैसे शायद अच्छे से नहीं बना पाएंगे और शायद ये तो पूरा पैक है, तो ये हुआ कि गाइस ना वापस जा सकते। हेलो कर दो सब सब्सक्राइब कर दो एचपी राइडर। फ्रेंड यहाँ पर ना बस वापस चल पड़ा फिर से दांग की, और हम दांग से लगभग 5 किलोमीटर आगे आए थे और यहाँ पर चेकिंग हुई और 100 ज़्यादा होने की वजह से वापस गए। और देखते गए जब नीचे से ना क्या करते हैं ड्राइवर लोग ना हमारे को दूसरी बस में भेजते या फिर सीधा कैंसिल ही होगा, अब नीचे जाके लगेगा पता। पर इस बार बहुत प्रॉब्लम हुआ गाइस है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ ना, फर्स्ट टाइम हुआ और आज तक कभी नहीं हुआ था कि जो जहाँ जा रहा था ना वहाँ से वापस कभी नहीं हुआ था, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ गाइस उल्टा। इस बार गाइस ना सवारी खाली करके ना जा रही है बस ना, और इस बार सवारी खाली है मतलब जो भी सवार थे ना एक्स्ट्रा उनको पीछे उतार दिया, वो ऑटो में आएंगे। टाइम हो गई 10:30, अब जाके पुलिस वालों ने छोड़ा, पता नहीं क्या क्या है ना, उसके बाद अब जाके निकले और यहीं पे हो गई 10:30 है ना, तो अब गाँव तो शायद 8-9 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तो देखते गाइस इस बार ना राइड में पहले ही कुछ अलग ही हो गया है ना, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था, वापस भी गए पहले वापस जाके फिर आए फिर पुलिस वालों ने उसके बाद निकले आगे। तो देखते गए जो ना और आगे कैसे कैसे रोड और कैसे कैसे व्यू देखने वाले आपको पूरा दिखाएंगे। और बस से पूरा पैक हो गया ये देख रहे हो आप, पता नहीं लास्ट टाइम क्या किया इन्होंने और कब जाके छोड़ा है अभी 1 घंटे बाद। चलते अब गए अब यहाँ से आगे वाले आने वाला है अब कपूरकोट, और अभी हम गोटकोला से आगे को निकल चुके हैं और देखते गए जब बाहर का व्यू है ना, और चलते राइड को एंजॉय करते हैं। 5 minutes later. तो दोस्तों फिर से ना यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, जैसे पुलिस वालों ने छोड़ा एक दो पहले लेट हो गए ना 1-1.5 घंटा, फिर से इधर गाड़ी ख़राब हो गई, जैसे मतलब पुलिस वालों से छूट के लगभग 10 किलोमीटर आ गया है ना, उसके बाद फिर से गाड़ी ख़राब हो गई। अब देखते फिर गाड़ी ठीक होने में कितना टाइम लगता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इधर तो, बहुत दिक्कत है। तो
अभी हम दांग से अराउंड 20 किलोमीटर आगे को निकल चुके और इस जगह का नाम है गाइस कपूरकोट, और कपूरकोट में एंटर हो चुके और ये मस्ट एंड व्यू देखने को स्टार्ट हो चुका है यहाँ से देख लो। और कपूरकोट से फिर आगे जाते और खाना शायद मूल पानी में खाएंगे, ऐसे ही बोल रहे थे उस्ताद अभी पहले पूछा था, और निकले अब आगे को चलते। अभी हम मूल पानी जगह का नाम है गाइस कपूरकोट से लगभग 5 किलोमीटर आगे को आ चुके हैं और यहाँ पर अब खाना खा रहे वो सुबह का है ना, और मुँह माँ धो के यहाँ पर फ्रेश हो चुके हैं। अभी टाइम होगी गाइस 12 है ना, और यहाँ पर खाना खुना खाने के बाद फिर निकलेंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा शायद आधा घंटा के आसपास खाना खाने में है ना। और प्रकाश हमने यहाँ पर खाना ऑर्डर कर दिया है, और खाना ये देख रहे हो चावल है ना, और अभी चिकन भी आएगी और चिकन भी खाएंगे गाइस। और इसका प्राइस है गाइस 300 रुपये है ना, बाकी 300 रुपये मतलब नेपाली है, अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो लगभग 150 के आसपास। चलो गाइस खाते फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों हमने खाना खुना खा लिया है ना, और यहाँ से सीधा अंदर में जाते और सीधा और निकलते गाइस। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए संगम, और सामने जो टेम्पल देख रहे हैं ना वो विश्व का सबसे बड़ा संघ है। श्रीनगर एक जगह का नाम है, जैसे उधर एक श्रीनगर इंडिया में ना सेम इधर भी एक श्रीनगर है। पहुंच चुके हैं लगभग फिर से 20 किलोमीटर आगे कपूरकोट से, और यहां से फिर एक मेन मार्केट आया है, इस जगह का नाम है श्रीनगर। और श्रीनगर इधर नेपाल में भी गए जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर में है ना श्रीनगर, सेम ऐसे यहाँ पर भी श्रीनगर ये बाज़ार का नाम है गए। और कपूरकोट से ये बाज़ार से थोड़ा बड़ा है, एंड यहाँ से अभी अब जो मेन आगे जगह का नाम आएगा ना वो आएगा थार मारे, और थार मारे के बाद बागचौर, और बागचौर के बाद फिर सीधा खरीबोर्ड, और खरीबोर्ड से हम रोड से अंदर भी पड़ जाएंगे, और वो रोड जाएगा बापूखोला सल्यान है ना। और हलंगा जाना है तो ऐसे आगे से भी रोड कटेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड जा गया ना वो रोड है सल्यान खलंगा ले, और सल्यान खलंगा यहाँ से गए जो अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास है, और हम जा रहे हैं रुकम वाले रोड पे। और अभी रुकम और बांकू को लगे ले आगे से रोड कटेगा वो भी आपको बता देंगे, और इससे आगे जो मेन जगह का नाम आने वाला है उस जगह का नाम है गाइस थार मारे, और थार मारे के बाद फिर बागचौर, और बागचौर के बाद फिर खरीबोर, उसके बाद आगे फिर और बताते रहेंगे आपको। थारमार से आगे को निकल चुके हैं ना, और थारमार और बागचौर की दूरी है ना अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास। बागचौर अभी उस पहाड़ है वहीं जैसे साथ में, और से लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास ही, ज़्यादा नहीं है। और ये बागचौर और कपालिका सलेन जिला के अंदर आता है, आपको आपने सुना होगा कहीं है ना, और सारे मतलब जितने भी काम होते हैं ना ये बागचौर नगर पालिका अंदर जितने भी मतलब ओडा बने सारे काम आगे होंगे, अभी उस जगह देखेंगे गाइस। और थार मार से हम आगे को निकल, और यहाँ पर 3:30 हो गए टाइम है ना शाम के, और हम गांव तो शायद पहुँच गए 7 बजे के आसपास है ना। और अंकल आपका क्या नाम है? हमारा नाम है पुत्ती राम खटक। और अंकल का एक फेमस डायलॉग है, डायलॉग बोलो जरा। चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा आपका चश्मा बहुत सस्ता है। ये
अभी ऐसा मजा आएगा। सो फ्रेंड फाइनली पहुंच गए बागचौर, है ना, बागचौर के मेन गेट पे पहुंच गए। इस गेट का नाम है सईद गेट, और यहाँ पर होते गए सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ना, नागरता नुगरता और जितने भी काम होते हैं ना मतलब जिले के अंदर, वो सारे काम यहाँ पर होंगे। उसके बाद सीधा फिर सुरखेत, और ये है बागचौर, है ना। और सामने बैंक दिख रहे हो, नेपाल बैंक लिमिटेड बैंक का नाम है गाइस। और सामने हॉस्पिटल फैंगवान, समझ गए होंगे कितने भाई लोगों ने मैंने कुछ बोला अभी। और यहाँ से अब थोड़ा सा खरी बोट दूरी है, और खरी बोट के बाद फिर डेंजरस ऑफ रोडिंग होने वाली है, एकदम खतरनाक है ना। और तो गाइस स्टार्ट हो चुका है यहाँ से ऑफ रोडिंग, है ना। और जो पार से सीधा गया था ना वो गया रुकम के लिए, बाकी जो यहाँ से सीधा गया ना ये चलेगा लास्ट पॉइंट जाएगा बाफकोला, है ना, बाफकोला नाम तो सुना ही होगा। और यहाँ से रोड ऑफ रोडिंग पर अभी रोड का काम चालू है एंड डबल रोड कटिंग हो रही है। तो अब देख रहे हो बाहर, ये देख रहे हो गाइस बाहर को देख रहे हो, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा अब यहाँ से, जैसे खिड़की बंद करने से भी अंदर धूल आके पूरा रूम नहीं यार, बस ना पूरा धूल इधर बाहर तो और ज़्यादा ही है, इधर अंदर भी बहुत ज़्यादा चलिए। स्टार्ट के से तो और पूरा पैक हो गया, बस देख रहे हो, और पीछे मस्त से एंजॉय कर रहे हो, और कुछ कैसे ऊपर पहुंच चुके हैं और कोटबारा पहुंचने वाले। और यहां पर दोनों बस साथ साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि गाइस और दिन तो एक ही बस से आती थी, आज चाहे दो दो बस जा रही है शॉर्ट ज़्यादा होने की वजह से। और यहाँ पर सामान उतार रहे, ये देख रहे हो रोड के हाल देख रहे हो गाइस, एकदम खतरनाक, नीचे तो डेंजरस ऑफ रोडिंग है ना, और बहुत ही